हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी टीवी के डिस्प्ले के बारे में। एलईडी टीवी में जो है डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब एसडी एफ एसडी यू एसडी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एलईडी टीवी को हम कैटेगराइज करके वन बाय वन बात करते हैं। ये हो गया एलईडी टीवी, ठीक है। तो एलईडी टीवी में जो है हम डिवाइड कर लेते हैं डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। पहले आता है हमारा एसडी डिस्प्ले, एफएसडी एंड यूएसडी, ठीक है। वन बाय वन सबको समझेंगे इन तीनों को कि एसडी क्या होता है। एसडी बेसिकली हाई डिफिनीशन होता है। इसमें जो होता है इसको हाई डिफिनीशन भी बोलते हैं, हाई डिफिनीशन। और इसकी जो पिक्सल होती है, पिक्सल्स इसमें होते हैं, वो होते हैं 12 SC 720 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये जो होता है ये हॉरिजेंटल जो है पिक्सल्स होते हैं, ये वर्टिकल पिक्सल्स होते हैं। तो इसमें टोटल पिक्सल्स जो होता है 12 SC 720 होता है, या फिर ये भी हो सकता है 13 66 768 भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों रिजोल्यूशन कैटेगरी जो है आपकी आती है एसडी के, एसडी कैटेगरी में आती है, तो ठीक है। तो ये एसडी डिस्प्ले होता है जिसके बारे में ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली हम देखते हैं एफएसडी में, एफएसडी क्या है। अब इसको बोलते हैं फुल डेफ, फुल हाई डिफिनेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फुल ये फुल एचडी हो जाता है, ठीक है। और अब इसके पिक्सल्स की बात करें तो इसमें जो पिक्सल्स होता है उसका 19 20 10 80 पिक्सल, इसमें ये पिक्सल्स होता है जो आपकी फुल एचडी टीवी होती है। अगर कभी आप फुल एचडी टीवी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप ये पता कर लीजिएगा कि उसका जो है रेजोल्यूशन कितना है। तो पिक्सल एंड रेजोल्यूशन जो है ये चीज होती है इसकी जो है, जो फुल एच डी टी वी होती है। अब आइए बात करते हैं अल्ट्रा एच डी टी वी के बारे में। यू एच डी होता है बेसिकली अल्ट्रा एच डी, अल्ट्रा हाई डिफिनीशन इसको बोलते हैं। अब इसके जो पिक्सल्स होते हैं ये होते हैं 38 40 21 60, ये पिक्सल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए बेसिकली इसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं। इसका जो आप देख लीजिए, इसका अल्ट्रा एचडी का रेजोल्यूशन इतना होता है, जाहिर सी बात है इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये आपका आता है फुल एचडी, फुल एचडी में जो है 19 20 10 80 है, तो इसमें भी पिक्सल्स जो है जैसे ज़्यादा होंगे वैसे जो है पिक्सल की क्वालिटी अच्छी आती है। ऐसे ही एचडी में है, तो एच डी में उसके शेप के मतलब साइज के अकॉर्डिंग जो पिक्सल्स होते हैं वो इतना होता है। तो पिक्सल्स जो है इसको रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं कि इसका रिजोल्यूशन इतना होता है। एच डी वाले का रिजोल्यूशन आपका 12 से 720 होता है, और जो फुल एच डी टी वी होती है उसकी रिजोल्यूशन होती है 19 20 10 80, और जो अल्ट्रा एच डी टी वी होती है उसकी रिजोल्यूशन होता है 38 40 21 60, ठीक है। तो आप कभी भी अगर जो है स्मार्ट टी वी परचेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान कर सकते हैं। अब देखिए 32 इंच में तो जो देखा जाए 32 इंच से लेके कुछ टीवी होती हैं जिसमें एच डी रिजोल्यूशन होता है वो उसमें ये पिक्सल्स ये मिलते हैं, और जो फुल एच डी होता है ये मिलता है, यू एच डी में ये मिलता है। अब जैसे जैसे बड़े साइज़ में हम बढ़ते जाते हैं टीवी में, वैसे वैसे जो है पिक्सल पर इंच जो है ये बढ़ता है। अब ये जैसे ही जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्क्रीन जो है काफ़ी जो है क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी होगी, क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी आती है फिर, और जो है उसमें कोई ब्लर नहीं होता है पिक्चर, और काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं। अब देखिए जो अल्ट्रा एचडी है इसको हम 4K भी बोलते हैं, ये भूल गया था। और ये जो है फुल एचडी जो है इसको हम 2K भी बोलते हैं, 2K, ठीक है। अगर ये टीवी है तो 2K टीवी होगी, ठीक है। अगर ये 4K टीवी हो गई, ठीक है। और ऐसे ये एचडी है इसको 1K बोलते हैं, 1K बोलिए, 1K बोल सकते हैं एक तरीके से, और टीवी, ठीक है। तो
बेसिकली ये चीज़ होती है, अगर आप टीवी कभी खरीदने जाते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसके डिस्प्ले के अकॉर्डिंग हम कैसे सेलेक्ट करें। डिस्प्ले के अकॉर्डिंग अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप पूछ सकते हो या देख सकते हो कि उसका रेजोल्यूशन और उसका पिक्सल्स कितना है, फिर उसके हिसाब से आप टीवी को सेलेक्ट कर सकते हैं।